क्या आप जानते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया और कैसे आया? महज 50 सालों में दुबई इतना अमीर और समृद्ध शहर कैसे बना? दुबई की आर्थिक स्थिति इतनी कैसे बदल गई? दुबई का विकास हमेशा से ही हुआ था। दुबई तब से ग्रो करने लगा जब से वहां तेल की खोज हुई, और ये 1960 के दशक में हुई थी। और अपने सही रणनीति के वजह से भी दुबई सिर्फ 50 साल में एक पैसे वाला एडवांस शहर बन चुका। दुबई की आबादी की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी लगभग 28 लाख की है, पर इसमें से 51% आबादी भारतीय है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग भी यहाँ काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, बात सेफ्टी की अगर की जाए तो दुबई इसमें सबसे आगे है। दुबई को पूरी दुनिया का सबसे सेफ जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट 0% है। तेल की खदान का जब से पता चला, दुबई के लोग सिर्फ इसी में नहीं बल्कि और कामों को भी उतना ही दिल लगा के करने लगे, जैसे कि रियल इस्टेट और टूरिज्म बिजनेस। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी है कि दुबई सिर्फ तेल की वजह से अमीर है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बेहद कम देश है जहाँ पर बिजनेस करने पर टैक्स नहीं लगता, तो दुबई उन्हीं में से एक देश है जहाँ पर पैसा लगाने पर टैक्स की छूट दी जाती है, जिसके वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर पैसा लगाते हैं। दुबई अपनी इमारत के लिए भी जाने जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही मौजूद है, जिसको 93 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। ऐसे तो दुबई में बेहद गर्मी होती है, पर दुबई में ऐसे एक समुद्री बीच है जहाँ गर्मी में भी आपको ठंडी महसूस होगी। दोस्तों, अगर आपको अपना वजन घटाना है तो उतना आसान तो है नहीं, पर ये चीज़ दुबई में आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ के सरकार 1 kg वजन घटाने पर 2 ग्राम सोना देते हैं। यानी अगर आप 10 kg वजन घटाते हैं तो आपको 20 ग्राम सोना मिल जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके लिखे। दुबई के बुर्ज अल अरब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचा और महंगा होटल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसको पूरी तरह से 24 कैरेट सोने से ढका गया, और ये दुनिया का पहला 7-स्टार होटल भी है। दुनिया का 50% सोना आपको दुबई में ही मिलेगा, इसलिए भी वहाँ के लोग बेहद खुश नसीब है। रमजान के महीने में दुबई में आप पब्लिक प्लेस में खा नहीं सकते और ना ही गाना सुन सकते, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग शेर, चीता, तेंदुआ जैसे खतरनाक जानवरों को पालते हैं। एक तरफ जहाँ दुनिया भर के लोग संडे को अपनी छुट्टी मनाते हैं, वहीं दुबई के लोग फ्राइडे से वीकेंड मनाते हैं। दुबई के लोगों के लिए फ्राइडे जुम्मा का दिन, जिसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। दुबई में शादी से पहले आप लड़की से संबंध नहीं बना सकते। यहाँ अगर आप रिलेशन में होते हैं तो पब्लिकली अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते, और ना ही उसके हाथ में हाथ डालकर बाहर जा सकते हैं। कमरों के पीछे होने वाली हरकतों से सरकार को कोई मतलब नहीं, पर बाहर नहीं। दुबई में आप किसी व्यक्ति के मर्जी के बिना तस्वीर नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आप किसी इमारत के भी तस्वीर नहीं ले सकते। दुबई में लड़कियाँ अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस नहीं पहन सकती, खासकर मिनी ड्रेस, पूरे बदन को ढकना पड़ता है। दुबई में बाएं हाथ से खाना खाना, हाथ मिलाना, किसी से कोई सामान लेना अपराध माना जाता है। अगर आपको दुबई घूमना है तो इसके लिए 10,000 रुपया वीसा में और सब मिलाकर कुल 1 लाख तक खर्च आ सकती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।